देश भर में आरटीआई से बड़े बड़े घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार के खुलासे करने के लिए मशहूर आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर के निशाने पर इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी वह है देश के जाने माने बिजनेसमैन अंबानी व अडानी नजर आ रहे हैं। पानीपत के आरटीआई एक्टिविस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तेलंगाना रैली में कांग्रेस पार्टी द्वारा अंबानी अडानी से काला धन लेने के आरोपों के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करवाकर पीएम मोदी, अंबानी अडानी सहित कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत की प्रतियां राष्ट्रपति, जन लोकपाल, ईडी व सीबीआई निदेशकों और मुख्य चुनाव आयुक्त को भी भेजी है। शिकायत में आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने बताया कि 8 मई की करीम नगर तेलंगाना रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टॉप उद्योगपतियों गौतम अडानी और मुकेश अंबानी से काला धन लिया है। यह काला धन बोरों में नोट भर भर कर टेम्पुओं से भिजवाया गया है। इसी कारण से राहुल गांधी, जो पिछले 5 वर्षों से अडानी अंबानी के खिलाफ बोल रहे थे, अब बोल नहीं रहे। कपूर ने बताया, क्योंकि चुनाव में काले धन का आरोप खुद पीएम मोदी ने लगाया है, जिसका मतलब है कि उन्हें इस कांड की पूरी जानकारी है, लेकिन फिर भी पीएम मोदी इसकी जांच ईडी सीबीआई से नहीं करवा कर दोषियों को बचा रहे हैं, क्योंकि दोनों उद्योगपति प्रधानमंत्री के करीबी हैं, इसलिए उन्हें बचाया जा रहा है। संसदीय चुनाव में देश के टॉप उद्योगपतियों अडानी अंबानी द्वारा बड़ी मात्रा में काले धन के इस्तेमाल से ये संसदीय चुनाव एक मजाक बनकर रह गए हैं और देश की संप्रभु सत्ता पर खतरा बनाया है। इसलिए इस पूरे मामले की यूएपीए, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, भ्रष्टाचार निरोधक कानून व आईपीसी की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज करके ईडी व सीबीआई से जांच जरूरी है। मामला ये है कि हमने यहाँ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराकर और माननीय राष्ट्रपति महोदय को और माननीय जन लोकपाल भारत सरकार को कंप्लेंट करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो देश के जाने माने टॉप उद्योगपति हैं मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ तत्काल आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने की मांग करी है, क्योंकि कल 8 मई को तेलंगाना के अंदर करीम नगर में भरी जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि मुकेश अंबानी और अडानी ने काले धन के बोरे भर भर के, टेम्पू भर भर के कांग्रेस पार्टी को पहुंचाए हैं। तो ये एक बड़ा सीरियस एलिगेशन है, ये किसी आम नागरिक ने आरोप नहीं लगाए। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि कितना काला धन गया है, कितने काले धन के बोरे गए हैं और कौन कौन से टेम्पू के अंदर जो ये भरकर पहुंचाए गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, जिनके अंदर सीबीआई और ईडी है, इसकी कोई जांच नहीं कराई, क्योंकि ये दोनों उद्योगपति अंबानी और अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र हैं। हर विदेशी दौरे के अंदर ये इनको अपने साथ लेकर जाते हैं, बड़ी बड़ी डील कराते हैं विदेशों के अंदर। तो हमारी ये मांग है कि ये तत्काल एफआईआर दर्ज करी जाए, क्योंकि ये बड़ा भारी मामला है। इससे देश के अंदर काले धन से का इस्तेमाल हो रहा है, ये साबित हो गया है। और ये चुनाव, जो मौजूदा चुनाव चल रहे हैं संसदीय चुनाव, ये एक तमाशा बनकर रह गए हैं, क्योंकि हम भी एक जागरूक वोटर हैं, हमारा अधिकार है। और इससे जो देश की इंटेग्रिटी है उसके ऊपर एक बड़ी भारी आंच का खतरा हो गया है और देश की एकता अखंडता को खतरा हो चुका है। तो हमारी मांग है कि इनके खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, भ्रष्टाचार निरोधक कानून और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनको अरेस्ट किया जाए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।